वह आप सोशल वर्क की तरफ आते हैं, आप सोशल वर्क भी करती हैं, आपने बहुत सारी मुख्तलिफ जो ख़वातीन के रोल पे बहुत ज़्यादा काम किया है, सोसाइटी के चेंजेस पे बहुत काम किया है, सो उस हवाले से भी बताइए। शुरू से जो है मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस चीज़ की तरफ, लेकिन शायद हो सकता है कि मुझे वो रास्ता नहीं मिल पा रहा था। होता है कि इंसान के अंदर ही हम सब के अंदर हैं ये चीज़ें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो एक सही टाइम जो है वो अल्लाह की तरफ से या वो जो नेचर कुछ ऐसा डिज़ाइन कर देती है। तो कराची जो है कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले जब मेरा बहुत ज़्यादा जाना आना हुआ काम के सिलसिले में, तो वहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने इनवाइट करना शुरू किया कि भाई आप भी आइए हमारे सेंटर्स में आए और ये अच्छा है और आपको अच्छा फील होगा। और वहाँ पे जो मज़दूर बच्चे हैं और कुछ ऐसी औरतें हैं जो कि यू नो यानी घर उनके अपने नहीं हैं, या कुछ ऐसे लावारिस बच्चे हैं कि जो कि यू नो अपने पेरेंट्स से दूर हैं, उनको पता नहीं है। उसके अलावा जो ऐसे जो ओल्ड एज होम्स हैं कि जो कि उनके बच्चे जो हैं उनको वहाँ छोड़ जाते हैं, तो मुझे 1-2 सालों के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। उनके साथ बैठी, उनके साथ मैंने बात की, उनका दुख सुना, और मुझे बहुत लगा कि हमारे दुख कुछ भी नहीं है। लाइक हम लोगों को यू नो यानी कॉफ़ी नहीं मिल रही है, चाय नहीं मिल रही हमारे है, ये मसाले हमारे है, यही मसाले हैं, शायद इससे बहुत बड़े मसाले हैं। वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। तो मैंने मतलब सीखा कि मतलब गुरूर अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो हमें बहुत हम्बल होकर और दूसरों की भी जो है ना यानी सुख दुख बांटना ही असल जिंदगी है। ऑब्वियसली ये तो आपका लाइफ पर्पस होना चाहिए। मेरा स्टिल मेरे पास टाइम कम है, मैं चाहूँगी आपकी ज़रा इस रियलिटी शो के एक्सपीरियंस को भी डिस्कस करें, देन विल गो अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका एक फिटनेस वाला जर्नी है। सबसे पहले तो रियलिटी शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा? रियलिटी शो का जो एक्सपीरियंस है, मैं ये समझती हूँ कि अभी तक का मेरा किया हुआ सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मेरा हाँ प्रोजेक्ट है। क्योंकि एक तो ये था कि ये भी एक वानगो के अंदर हाँ। था कि एक बार आप चले गए तो फिर पाकिस्तान में चूंकि रियलिटी शोज का वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपनी नौयत का पहला था। बिल्कुल, तो मुझे अचानक से कॉल आई और मैं मेंटली आई वाज नॉट रेडी, और वो फिर उसकी 1-2 दफ़ा डेट भी चेंज हुई। सो मैं आई वॉज नॉट टेकिंग दैट इतना कोई सीरियसली मैं लेकिन मैंने कहा ठीक है आएगा तो देखा जाएगा, आए ये भी साइन कर लिया ड्रामा वो भी कर लिया, हाँ हाँ मैं वहाँ भी जाके मिल रही हूँ। लेकिन जब बाकी की चीज़ें फाइनल हो गई एकदम से कॉल आई, अच्छा मैडम परसों आपका शूट है। मैंने कहा तो बाकी नहीं हो रहा है। खैर एनी वे, घर के अंदर रहना और बाकी लोगों के साथ रहना वो एक ऐसी चीज़ थी कि जो कि मेरा अपनी लाइफ में यानी पहली दफ़ा हुआ था कि 13-14 लोगों के साथ रहना एक ही घर में, फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है, फ़ोन का पता नहीं है, इंटरनेट का कुछ पता नहीं है, बाहर नहीं हम जा सकते, और वो एक मोमेंट के अंदर हमने रहना था। और एक दूसरे की मतलब ऑफ कोर्स जो लेग पुलिंग का ही एक यानी मज़ा आता है क्योंकि विन सिर्फ एक बंदे ने करना था, तो वो फिर मुकाबला इतना सख्त था जैसे अपनी जो फिटनेस जर्नी है उसको भी बताएं, कुछ भी कहना चाहे हमारे देखने वालों को, कैमरा इज ऑल योर्स। जो फिटनेस की जर्नी है उसमें ये है कि जब मैं अपना NCA में विजुअल आर्ट्स और अपना थिएटर कर रही थी, बाय द वे अगर आप मुझे देखेंगे उस वक्त में अगर कोई दिखा दिया मैं उस सब बहुत मोटी होती थी, लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक मेरा वेट था तकरीबन कोई 80 kg के करीब। तो जब मैंने अपना पास आउट कर लिया तो मैंने अपनी अम्मा से ख्वाहिश जाहिर की कि भाई मैं अब कराची जाना चाहती हूँ कि मार्केट सारी यानी काम सारा वहाँ है। तो अम्मा ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पे वहाँ जाने दूंगी कि तुम पहले अपना वेट कम करो, हम नहीं चाहते कि यानी फैमिली वाले लोग जबरदस्त तरीके से कम किया। ये पिक्चर्स आप देख सकते हो, मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है, यू नो इट्स अ न्यू चैनल, सो थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लगा वर्सेटाइल आर्टिस्ट के साथ बात करके। हुमैरा अली हमारे साथ मौजूद थी जी, आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं, इसके अलावा बहुत सोशल वर्क भी करती हैं, बहुत सारा कुछ है जो उन्होंने अपने करियर में अचीव किया, इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई।